नेशनल हेराल्ड केस में आज राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने सोमवार को राहुल गांधी से करीब 9 घंटे पूछताछ की थी। राहुल ने देर रात तक हो रही पूछताछ के दौरान ईडी अफसर से कहा कि क्या रात यहीं रोकने का इरादा है, यदि है तो मैं डिनर के बाद आऊं। तो वहीं पूछताछ के दौरान एजेंसी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी, उनसे कुछ पेपर्स भी मांगे गए। राहुल कई बार एजेंसी के सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए, इसके चलते मंगलवार को उन्हें दोबारा बुलाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार सुबह ईडी ने राहुल गांधी से करीब 3 घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे लंच ब्रेक हुआ। ईडी ने उन्हें लंच ब्रेक के लिए पूछा, लेकिन राहुल ने मना कर दिया, जिसके बाद वे प्रियंका गांधी के साथ सीधे गंगाराम अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। करीब 40 मिनट बाद राहुल वापस ईडी के दफ्तर लौटे। इसके बाद उनसे दोबारा पूछताछ शुरू हुई। आपको बता दें कि राहुल सोमवार सुबह पूरे दमखम के साथ ईडी दफ्तर आए थे। ईडी के अफसरों ने उनसे 50 से ज़्यादा सवाल किए। इससे पहले कांग्रेस ने इस कार्यवाही का जमकर विरोध किया। सुबह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जगह जगह राहुल के पोस्टर लगा दिए थे, जिस पर लिखा था, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। देश के अन्य हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को शाम 5:30 बजे पार्टी दफ्तर बुलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।